जीएफसी गाड़ी पटवार के कैप्टन गोलकीपर रेमन लकड़ा, पहले की कैप्टन वर्सेस कैप्टन। किक करने के लिए अनुभवी खिलाड़ी सोमरा और सामने है गोलकीपर गुरेव जीएफसी गाड़ी पटवार के। अनुभवी गोलकीपर जीएफसी के कप्तान गोलकीपर रेमन लकड़ा। अच्छी समझदारी दिखाई यहाँ अंकित टोपो ने। जर्सी नंबर 22 में नजर आ रहे हैं मंजीत, सामने है गोलकीपर बुदेव ने। कोई मौका नहीं बुदेव के पास, बहुत ही लाजवाब चकमा देते हैं बुदेव की बाई छोर पर। ये प्लीज कांटे का मुकाबला टाइट ब्रेकर में भी दोनों ही टीमों का, जीएफसी गाड़ी पटवार और अयास विक्यार लेने के लिए आते हुए, जिनका सामना करेंगे गोलकीपर रमन लकड़ा। अभी तक कोई मौका नहीं बना पाए हैं दोनों ही गोलकीपर अपनी टीम के लिए। मौका था यहाँ पर लेकिन काफी तेज गति से हाथों के नीचे से निकल गई गेंद, शानदार गोल। जर्सी नंबर 24 में विजय अगले किक के लिए अयास बीकेआर की ओर से सामना करेंगे जीएफसी के गोलकीपर बुदेव। काफी दूर से स्टार्ट बहुत ही लाजवाब प्लेसमेंट, काफी दूर से रनअप लिया। बहुत ही पुराने खिलाड़ी की मुझे याद आ गई,
कैलकटा मोहन बगान की ओर से खेलते हुए शिशिर घोष। और यहाँ जीएफसी गाड़ी हटवार की टीम प्रबंधन ने गोलकीपर को बदला है। काफी अनुभवी खिलाड़ी जर्सी नंबर 99 में उमेश को। और यहाँ क्रिकेट के लिए तैयार जीएफसी गाड़ी हटवार की टीम। अच्छा मौका था फिर से एक बार रेमन के पास, लगभग गेंद तक पहुंच चुके थे, लगता है हाथों को छूती भी निकल गई गेंद। और अब बारी है परिवर्तित गोलकीपर के रूप में टीम प्रबंधन ने भरोसा जताया है अनुभवी। और चकमा देते हैं रोहित को, उमेश की बाई छोर पर एक लाजवाब गोल। अगले किक के लिए जीएफसी की ओर से जर्सी नंबर 10 सामने गोलकीपर रेमन लगा आयाम विद्यार्थी। कोई मौका नहीं, पहले ही भाग की जगह दिखा चुके थे रेमन। कोई तकलीफ नहीं रिप्लेस करने के लिए राजू को। और हमारे मंच पर आशीन हुए हैं डॉक्टर प्रकाश गुप्ता सर, स्वागत है सर आपका भी इस मंच में। और अब बारी है जर्सी नंबर 19 आसिफ की। दर्शकों के धड़कने तेज, उपेंद्र हलकाम।
अब इस मंच में हमारे इस आयोजन में आखिर क्रिकेट के लिए तैयार जीएफसी के खिलाड़ी बचा लिया ये आतिशबाजी कर रहे भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी देर और आप बर्दाश्त कर लें। हकीक के लिए अयान स्पीक यार के कप्तान रेमन लकड़ा